नगर पालिका निगम भिलाई चिरौदा के स्वास्थ्य दल द्वारा विगत 5 दिनों से विशेष अभियान चलाकर शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन डिस्पोजल सहित अन्य प्लास्टिक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका निगम भिलाई चिरौदा के स्वास्थ्य दल द्वारा विगत 3 दिनों से विशेष अभियान चलाकर शासन द्वारा प्रतिबंधित किए गए प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन डिस्पोजल सहित अन्य प्लास्टिक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाइयां की जा रही है। इसी कड़ी में सिरसा गेट से लेकर पुराना चौक तक कार्रवाई करते हुए व्यवसायियों से 300 ग्राम झिल्ली जब्ती एवं कुल 1250 रुपये आर्थिक दंड वसूला गया। वहीं तालाबों में एकत्र हुए कचरे और ऐसे पदार्थ प्लास्टिक इत्यादि जिससे जल प्रदूषित होता है उसे पृथककरण का कार्य किया जा रहा है। भीषण गर्मी तथा उसके उपरांत बरसात को देखते हुए प्लास्टिक कचरा निपटान की कार्रवाई की जा रही है, जिससे निगम के उन वार्डों में जिसमें प्राकृतिक जल स्रोत है उनके संरक्षण एवं सुरक्षा बनी रहे। निगम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि दैनिक रूप से प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग एवं विक्रय करने वालों पर जब्ती एवं अर्थदंड वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है, जो आगामी दिनों में भी और तेजी से जारी रहेगी। जैसा आप सभी को मालूम है कि भारत में स्वच्छ अभियान तहत के तहत निगम में लगातार स्वच्छता के प्रति कार्रवाई करते रहते हैं। कचरे में सबसे ज़्यादा पॉलीथीन, जिसका 50 माइक्रोन से कम जिसका वो है मोटाई है, वो ना नष्ट होती है ना ही वो डिस्ट्रॉय होती, प्लस हमारे कचरे को वो बड़ा बनाते जाती है, नालियों में फंसती है, जिसके कारण बढ़े हैं। शासन के निर्देश हैं, NGT के निर्देश हैं कि जितने भी ये प्रतिबंधित प्लास्टिक है जो 50 माइक्रोन से कम, उन सारे प्लास्टिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल से निगम द्वारा सभी दुकानों में और जहाँ जहाँ हमको सोर्स से पता लग रहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभियान हम अगले 7 से 10 दिनों तक चलाएंगे, जिसमें पहला तो दुकानदारों को जो प्लास्टिक प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री से रोकना है, दूसरा जो शादी समारोह जो है कार्यक्रम, वहाँ भी हमारी टीम जाएगी और लोगों को रहेगी कि डिस्पोजेबल और ऐसी चीज़ों का उपयोग न करें, और तीसरा हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और अगले 10 से 15 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी और उसके बाद लगातार बीच बीच में कार्रवाई करते हैं। बहरहाल शासन से समय समय पर प्राप्त आदेशानुसार नुकसानदायक प्लास्टिक पर रोक लगाना, तालाबों के गहरीकरण एवं सफाई, गंदगी फैलाने वालों पर चलानी कार्रवाई सहित क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों में एकत्र होने वाले कचरे का उठाव प्रमुखता से किया जा रहा है। इस पूरे कार्रवाई में निगम से सफाई दरोगा राम गोपाल चंद्राकर, कौशल तिवारी, सृष्टि चंद्राकर शामिल है। ट्रेंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।